हेलो फ्रेंड, टुडे आई विल टीच द टॉपिक हेल्थ इलनेस कॉन्टीनम। आज हम देखेंगे कि हेल्थ इलनेस कॉन्टीनम क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। द हेल्थ इलनेस कॉन्टीनम इज ए ग्राफिक इलस्ट्रेशन ऑफ वेल बीइंग। यानी कि हेल्थ इलनेस को एक हम ग्राफिक के थ्रू देखते हैं कि जो पर्सन है वो कितना अच्छा, मतलब कितना उसका हेल्थ अच्छा है और कितना उसका हेल्थ ख़राब है, तो उसको हम एक ग्राफिक के थ्रू देखते हैं। मतलब इसमें हमारा एक ये ऐसा ग्राफ जैसा होता है, इसको हम अभी बाद में देखेंगे। आप इतना समझ लिए कि एक ये ग्राफिक होता है जिसमें कि ह्यूमन के हेल्थ को देखा जाता है कितना बेटर है और कितना उसमें इलनेस है। इट डिस्क्राइब हाउ वेल बींग इज मोर देन सिंपली एन अब्सेंस ऑफ इलनेस। इसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि जो पर्सन है उसके अंदर मतलब कि अब्सेंस है डिजीज़ या प्रेजेंट है, ये सारा कुछ उसमें देखा जाता है। बट आल्सो इनकॉर्पोरेट्स द इंडिविजुअल मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। इसमें ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ डिजीज़ को ही नहीं देखते हैं, इसमें उसके मेंटल स्टेटस को भी देखते हैं, मेंटल और इमोशनली हेल्थ को भी इसमें देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही था, आपको याद रखना ये ग्राफ होता है जिसके थ्रू एक ह्यूमन का हेल्थ स्टेटस देखा जाता है कि वो मतलब डिजीज़ कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है कि वो अवेयर है उस चीज़ से या ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को भी हमें बताता है। अब हम देख लेते हैं इसका ग्राफ, ग्राफ क्या होता है। हेल्थ इलनेस कंटेनम यहाँ पे ये देख सकते हो, अब ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। मतलब यहाँ पे ये जो पर्सन है उसको कोई डिजीज़ नहीं है, ना उसको कोई डिजीज़ है ना वो किसी चीज़ से अवेयर है, वो नॉर्मल है, एक नॉर्मल पर्सन है, उसको न्यूट्रल पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, अगर वो किसी से अवेयर है, एजुकेट है, तो उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, हाई लेवल वेलनेस होगा। ठीक, ये अगर इस इधर एरो की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, कोई भी अगर डिजीज़ होगी उसके साइन सिम्टम आएंगे, साइन सिम्टम इसके बाद में क्या, उसको ट्रीट नहीं करेगा तो उसको डिसेबिलिटी आ जाएगी, फिर उसको डेथ कॉज कर जाएगा। मतलब कि ये इस ग्राफ में अगर जो पर्सन है वो इस तरफ जाएगा तो उस मतलब हाई वेलनेस उसको, मतलब डिजीज़ कंडीशन से प्रोटेक्ट होगा। अगर वो एरो को इस तरफ जा रहा है तो उसको साइन आ रहे, सिम्टम आ रहे और उसको डेथ भी कॉज हो सकती है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल रख के बताती हूँ। जैसे कि अभी क्या था, कोविड चल रहा था। अब कोविड से जो लोग अवेयर थे उनको पता है कि हमें मतलब लोगों से दूरी बना के रखनी है, मास्क पहननी है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है। ठीक है, वो इस चीज़ में अवेयर थे, मतलब लोगों को उस डिजीज़ के बारे में पता था, तो वो लोग उसका बचाव कर रहे थे। नेक्स्ट एजुकेशन, और उसमें मतलब उनको एजुकेशन भी था, उस कोविड से लेके उनको काफ़ी एजुकेट किया गया था लोगों को, तो वो क्या करते थे, ग्रोथ कर गए थे, मतलब अपनी डिजीज़ से प्रिवेंट किया उन्होंने, जिसमें क्या हुआ, हाई लेवल वेलनेस उनको हुआ। अब इसी जगह क्या होता है, अगर किसी पर्सन को कोविड हुआ है उसके साइन आएंगे, मतलब साइन, जो साइन होता है वो जिसको डिजीज़ होती है उसको नहीं दिखता है, वो डॉक्टर देख के बताता है कि आपको ये साइन आ रहे हैं। साइन मतलब उसको नहीं दिखेंगे जिसको डिजीज़ है, वो पता ही नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी कि मुझे कोई डिजीज़ हो रही है। लेकिन साइन के बाद आता है सिम्टम, साइन आएंगे तो क्या होगा, वो ट्रीट नहीं कर रहा है, इस एरो की तरफ जा रहा है तो डिसेबिलिटी कॉज करेगा ना, तो साइन नहीं उसको ट्रीट किया तो उसमें सिम्टम भी आएंगे, जैसे बुखार हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, कोविड में ये सब हो रहा था उसके सिम्टम, फिर वो क्या होगा, वो इंडिविजुअल को दिखाई पड़ेंगे कि मेरे अंदर ये सिम्टम आ रहे हैं, फिर उनको अगर ट्रीट नहीं करेगा तो वो डिसेबिलिटी कॉज करेगा, उनमें डिसेबिलिटी हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर इस एरो की तरफ जाओगे तो आपका हेल्थ वेलनेस रहेगा, इस एरो को फॉलो करोगे तो आपको डेथ तक हो सकती है। नो डिसेबल इलनेस,
कंपोज्ड ऑफ टू एरो पॉइंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड जॉइंट एट द न्यूट्रल पॉइंट। मतलब वही मैंने बताया, जो भी न्यूट्रल पॉइंट से जुड़ा होता है, एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव साइड में होता है। मूवमेंट ऑफ राइट टू एरो, मतलब अगर आप राइट एरो की तरफ जाएंगे, ये हमारा राइट वाला है, तो उसमें आएगा अवेयर। मतलब किसी चीज़ से आप अवेयर हो तो, एजुकेट हो तो उसमें ग्रोथ करोगे, ना कि आपको डिजीज़ होगी। तो वही इसमें बताया गया, राइट एरो में क्या आएगा, अवेयरनेस, एजुकेशन, ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ लेफ्ट टू एरो प्रोग्रेसिव डिक्रीजिंग स्टेट ऑफ हेल्थ। अगर आप लेफ़्ट एरो को फॉलो करते हो, लेफ़्ट तरफ जाते हो एरो के, तो उसमें क्या था, आपको किसी भी डिजीज़ के साइन आएंगे, सिम्टम आएंगे, डिसेबिलिटी होगी, और इसके बाद में आपको डेथ भी हो सकती है अगर आपने उसको क्योर नहीं किया। तो ये हमारा था हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम। ये मतलब क्या होता है, ग्राफ होता है जिसमें हम किसी भी पर्सन का हेल्थ स्टेटस देखते हैं कि वो कहाँ तक ठीक हो सकता है, और अगर उसने इधर वाला एरो फॉलो किया तो वो राइट वाला एरो फॉलो करेगा तो वो ग्रोथ करेगा, राइट लेफ्ट वाला करेगा तो वो डिसेबिलिटी आएगी उसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट।